रहा है, भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या अमेरिका से आए हैं बीजेपी आरएसएस आज का नेतृत्व तो कर रहा है? आज विवादित स्थितियां केवल अपने प्रदेश में नहीं, पर आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, 35 साल से खालिस्तान का नारा नहीं सुना था पंजाब में, अब खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये कहां देश घसीटा जा रहा है, ये सब क्यों उत्पन्न हो रही है बात? क्योंकि इसके बीज इन्होंने बोए हैं, अब इसकी फसल की तैयारी कर रहे हैं। वे हमेशा होता है, AICC भी सर्वे कराता है और सर्वे हमेशा होता है, पर सर्वे केवल एक इशारा होता है, सर्वे में सब बातें सामने नहीं आती है। मान ले सर्वे में इसका नाम है उसका नाम है, ये एक इशारा होता है। अंत में सबसे चर्चा करके, टिकटों में कभी सर्वसहमति नहीं होती, पर मोटा मोटा सहमति तो बनानी पड़ती है। तो ये कार्य शुरू हम करेंगे। सबसे पहले तो है, बहुत बड़ी मांग है जिस मांग से मैं सहमत हूँ, कि जो भी टिकट के दावेदार हुए वो स्थानीय हुए, वो अपना तबादला करा के कहीं से ना जाए, वो वहाँ का स्थानीय हुए, परमानेंट रेजिडेंट हुए। केवल चुनाव लड़ने के लिए कोई लोग जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी मांग है और ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी है कि राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। स्थानीय भावनाएं बहुत जबरदस्त है और मैं इन भावनाओं से सहमत हूँ। दबाव बना रही है कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों की सीढ़ी है। कोई दबाव हमें बनाने की जरूरत नहीं, जनता उन पर दबाव दबा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।